नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वंदरों का भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए, आपका फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को। तो आपका अब ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कई सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स और उनके जो आपके कौन है इन्वेंटर्स हैं और इनका क्या काम है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये पूरा जो लेक्चर होगा, ये वाला आपका, ये पूरी तरीके से रटना होगा आपको। मेनली आपको ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना? तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इसे रटे, एक क्वेश्चन टपक जाता है कई बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, ये बैरोमीटर है, गैलोमीटर और अमीटर, दोनों आपका किसके लिए यूज़ होता है? आपका ये दोनों आपके करंट के लिए यूज़ होते हैं, पर थोड़ा अंतर ये होता है कि आपके माइन्यूट से करंट को भी कौन नाप लेता है? आपका अमीटर नाप लेता है, ये बिग करंट को नापने के लिए आता है। फिर एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे एक आपने याद रखना है GVS, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना होता है तो वो सीरीज कनेक्टर होता है, और एक आपका होता है गैप। जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर के साथ आपको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, सॉरी एक मैंने गड़बड़ कर दी, गैल्वेनोमीटर नहीं, वो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर के साथ करेंगे तो फिर पैरेलल शिफ्ट होती है। पायरोमीटर, पायरो मतलब होता है आग, तो पायरोमीटर जो होता है ये आपका हाई टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा, तो बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय द इटालियन फिजिसिस्ट एम इवांजेलिस्टा टॉर्सली इन द 1643। द बैरोमीटर मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट्स कॉल्ड द एटमोस्फेयर और बार्स। देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ द बैरोमीटर, एक होता है मर्करी बैरोमीटर, एक होता है एंड्रॉयड। आगे लिखा, व्हेन देयर इज अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर, याद रखना जब एकदम से गिरावट आती है रीडिंग्स में तो वो सिग्नल होता है आपका किसके, स्ट्रॉन्ग का। अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तब वो रेन का है, और धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो वो फिर जो आपका है साफ, बोल सकते हैं साफ मौसम है, सनी डे है, सनी वेदर, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डिक्रीज, ठीक है, द बैरोमीटर प्रेशर इज द इंडिकेटर ऑफ द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर रेंजेस फ्रॉम द हिस्टोरिक हाई ऑफ द 32.01 इंचेस टू एन ऑल टाइम लो ऑफ द 25.9 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैरोमीटर आता है द मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, गैल्वेनोमीटर आता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए, आपको गैल्वेनोमीटर आ जाता है, और अगर अमीटर की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को ये दिखा देता है। पायरोमीटर की अगर बात करें वेरी हाई टेम्परेचर आ जाता है आपका। कैलोरीमीटर की बात करें तो ये आपका मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ द हीट। पॉलीग्राफ की बात करेंगे, आप देखो होगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसे पॉलीग्राफी बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग द चेंजेस साइमल्टेनियस इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड द रेस्पिरेशन ऑल्सो यूज एज द लाइट डिटेक्टर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो आप ये जानते हैं ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द हार्ट के लिए होता है। डायनामो की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका चेंज करता है, सेम जैसा आपका कौन करता है, जनरेटर करता है। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ मोटर, तो मोटर क्या करता है आपका इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप होता है आपका क्या, यूज फॉर द व्यूइंग ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम जो आपका होता है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को नापता है किसकी, ब्रेन की, ईईजी जिसे बोला जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आगे आता है इलेक्ट्रोमीटर, तो मेजरिंग द वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए आता है इलेक्ट्रोमीटर। माइक्रोस्कोप की बात करें मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, बड़ा दिखाता है। एंडोस्कोपी की बात करें तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए होता है, तो एग्जामाइन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कैन बी यूज फॉर द माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। माइक्रोमीटर आता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, याद रखना ऊपर माइक्रोस्कोप है तो वो मैग्नीफाई करता है, और माइक्रोमीटर आता है स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए। फैदोमीटर आता है आपका ये डेप्थ ऑफ द ओशन के लिए आता है, और फैदम में नापा जाता है, आई थिंक एक फैदम में आपका, जहाँ तक मुझे याद है, एक फैदम में आपका 6 फीट के आसपास होता है, ये आपका सागर की गहराई के लिए नापा जाता है। मैनोमीटर की बात करें प्रेशर ऑफ द गैसेस के लिए, हाइड्रोमीटर की बात करें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की बात होती है, लैक्टोमीटर की बात करें तो यहाँ पर लिखा मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। तो लैक्टोमीटर जो होता है, और जो लैक्टो शुगर होती है वो मिल्क शुगर बोली जाती है, इससे याद कर सकते हैं आप। कीमोग्राफ आता है तो ग्राफिकली रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट के लिए आता है। हाइग्रोमीटर की अगर बात करूँगा तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आपका कौन सा, ये आपका बैरोमीटर है, ठीक है ना, एनालॉग। नेक्स्ट आता है बाइनोकुलर वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये थे इसके इन्वेंटर थे आपके जेपी लैमरे, पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है बाइनोकुलर वाज इन्वेंटेड, जैसे दूरबीन बोला जाता है, इन 1825। बाइनोकुलर इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिमिलर टेलीस्कोप, वन फॉर ईच आई, माउंटेड ऑन द सिंगल फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं इन्वेंटर्स का नाम भी पढ़ लेते हैं इस बार। तो लिखा हुआ एल्टीमीटर की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड कहलाता है, मतलब ऊंचाई नापने के लिए आता है। इसके थे आपके लुईस कैलेट।
एनेमोमीटर की बात करें, ल्यून एल्बार्टी दे, ये आपका मेजर द स्पीड डायरेक्शन एंड द प्रेशर ऑफ द विंड। तो एनेमोमीटर यार ये पेपर में पूछा गया था, मैं गलत कर गया था, तो याद रखना एनेमोमीटर किसके लिए होता है आपका, स्पीड, और ये बोल सकते हैं स्पीड डायरेक्शन प्रेशर ऑफ द विंड। तो ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया था, आप जरूर याद रखना पेपर में पूछा गया ये एनेमोमीटर, तो ये विंड से रिलेटेड है उसकी स्पीड नापने के लिए। ऑडियोमीटर की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये पता लग जाता है। बैरोग्राफ की अगर बात करें तो अच्छा ऑडियोमीटर के कौन है आपके, जॉर्ज बैक्सी। बैरोग्राफ की बात करें, लूसियन वीडी है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली, बैरोग्राफ आता है। बायनोकुलर आता है जेपी लैम्प्रे, अभी बता रहा हूँ, मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरबीन जिसे बोला जाता है। बोलोमीटर की बात करते हैं तो सैमुअल लैंगली है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को नापने के लिए आता है आपका। कैलिपर्स की अगर बात करें, वर्नियर कैलिपर्स, ये पेरे वर्नियर के नाम पे रखा गया, इसका नाम क्या, वर्नियर कैलिपर्स। तो आप जानते हैं डायमीटर को मापने के लिए आता है, जैसे आपका सिलेंडर जो आपका साइज होता है, जो वायर होता है उसे नापने के लिए आता है, जो आपका कैसा होता है गोल टाइप की होती है। और आपने देखा होगा जब बाई चांस अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है 11th 12th में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में, तो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर नॉर्मल है, वहाँ पे मिलता है आपको प्रायोर जो आपकी क्या होती है प्रैक्टिस लैब जो होती है। फिर आता है आपका कार्बोरेटर, कार्बोरेटर सैमुअल मोरे, ये आपका चार्जिंग एयर विद द पेट्रोल वेपर इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। फिर आता है कैथोमीटर, ये आता है पी डाउलोंग एंड द एपिटाइट, तो ये था डिटरमाइन द हाइट एंड द लेवल्स। फिर आता है क्रोनोमीटर, तो ये आता है जॉन हैरिसन, और डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द वेसल एट द सी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है कैलोरीमीटर, जॉन स्टॉक है, कंपेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। फिर आता है क्रेस्कोग्राफ, जगदीश बसु, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, क्रेस्कोग्राफ द मेजरिंग द ग्रोथ इन द प्लांट। साइक्लोट्रॉन की बात करें, अर्नेस्ट लॉरेंस है, तो एक्सलरेटिंग द चार्जेस चार्ज पार्टिकल द माइक्रोवेव ऑसिलेटर। इलेक्ट्रोमीटर आता है विलियम हैरिस का, मेजर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक करंट। फ्लक्स मीटर आता है तो मुलर मार्टिनी है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने के लिए आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है तो मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्क है, ऑप्टेन अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा दिखाता है, कम से कम 20,000 टाइम बड़ा दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर आता है डिलाटोमीटर आता है, तो ये इसके थे आप एंड द फिजल, तो इसके थे मेजरिंग द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो चेंज इन वॉल्यूम्स ऑफ द सब्जेक्ट के लिए आपका कौन, सब्सटेंस के लिए कौन आता है आपका, डालीटोमीटर आता है। फिर आता है ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन आपने सुना ही होगा, एडवर्ड मार्टिन विले है, तो ये आपका साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए आता है। कॉम्यूटेटर आता है तो विलियम स्टर्जन है, तो जनरेटर्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है आपका, चेंज कर सकता है, ये कौन सा होता है आपका, कॉम्यूटेटर होता है। सिनेमाटोग्राफ की अगर बात करें, फिल्मों में सुना होगा आपने इसके कौन थे, ऑगस्टो लुमारे थे, तो प्रोजेक्टिंग द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ये पिक्चर्स को लेने के लिए होता है, ये आपके जेपी लुमार, तो याद रखना ये बाइनोकुलर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर द वाटर, तो इसके लिए होता है आपका हाइड्रोफोन, कौन सा था, हाइड्रोफोन, बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ था, हाइड्रोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय द रेनल्ड फैसेंडन इन द 1914। द वर्ड हाइड्रोफोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रो एंड द फोन, वेयर द हाइड्रो मीन्स द वाटर एंड द फोन मीन्स द साउंड, हेंस हाइड्रोफोन इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर द वाटर। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है हाइड्रोफोन तो मेजर द साउंड अंडर द वाटर। हाइड्रोस्कोप की बात करें, सोर्स द चेंज इन द एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए आता है। हाइप्सोमीटर की बात करें, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, याद रखना ये याद कर लेना, हाइप्सोमीटर ये किसके लिए आता है, बॉइलिंग पॉइंट को रिकॉर्ड करने के लिए आता है। मैकमीटर की बात करें, द स्पीड ऑफ द एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द साउंड, और जब क्या होता है कंपेरिजन विद द स्पीड ऑफ द साउंड, तब आपका मैक आ जाता है, जैसे आपका क्या होता है कि लेस देन, ये पढ़ लेते हैं ना हम, जैसे आपका क्या आता है ट्रांसोनिक आता है, ट्रांसोनिक स्पीड आती है, सुपरसोनिक स्पीड आती है, हाइपरसोनिक आती है, और उससे पहले सबसे पहले कौन सी आती है, हाइपरसोनिक, उससे पहले कौन सी आती है, सबसोनिक आती है। तो सबसोनिक में स्पीड कितनी, 1 मैक से कम होती है, ये मैक, 1 मैक किसको दिखाता है, तो 1 मैक याद रखना, 1 मैक होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो उसके साथ कंपैरिजन होता है, तो ये होता है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, तो इसके साथ कंपेरिजन। सबसोनिक होती है जब 330 मीटर पर सेकेंड से कम होती है स्पीड, ये आपका जेट्स के लिए होता है। ट्रांसोनिक होता है जब 1 के बराबर होता है, 1 मैक के आसपास स्पीड होती है। सुपरसोनिक में 1 से 5 के आसपास होती है, हाइपरसोनिक 5 से ऊपर होती है। चलो आगे चलते हैं, ऑनडोमीटर आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओम मीटर की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के लिए आता है। ऑडोमीटर भी कई बार पूछा जाता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, ये होता है आपका जितना आपने देखा होगा जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें लिखा रहता है इतना किलोमीटर चल गए, तो ऑडोमीटर लगा हुआ है। अच्छा फिर आता है नेफ्लोमीटर, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल सस्पेंडेड, तो ये स्कैटरिंग को दिखाता है। माइक्रोस्कोप मैंने बता दिया था, ये मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है ऑप्टोमीटर, तो टेस्टिंग एंड टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर्स ऑफ द आई। ऑटोस्कोप आता है द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द एयर ड्रम। फिर आता है आपका क्वाड्रेंट, तो मेजर द एल्टीट्यूड एंड द एंगल्स इन द नेविगेशन एंड द एस्ट्रोनॉमी।
सेक्सटेंट आता है मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, रेफ्रेक्टोमीटर आता है मेजर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंसेस, रेन गॉज आता है तो रेनफॉल के लिए आता है, सेस्मोग्राफ आता है तो ये आपका अर्थक्वेक के लिए आता है, इंटेंसिटी ऑरिजन ऑफ द अर्थक्वेक शॉक। फिर आता है पायर हीलियोमीटर, तो हीलियो लिखा हुआ ना तो ये आपका सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है, हीलियो वर्ड किसके लिए आता है, सन के लिए। फोटोमीटर की बात करें तो कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ द लाइट, अ फोनोग्राफ आता है रिप्रोड्यूस द साउंड, ये आपका हाइड्रोफोन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइनोमीटर इज यूज फॉर, तो क्लाइनोमीटर जो आपका यूज होता है आई थिंक वो यूज होता है आपका एग्जाम आइंदा, ये तो गलत है, मेजर द पावर ऑफ द मैग्निफिकेशन, मुझे लग रहा है कोरोना ऑफ द सन, ये आता है स्लोप्स एंड एलिवेशन के लिए आता है क्लाइनोग्राफ, नहीं बोलते हैं कि क्लाइम करना है तो शायद से ये किसके लिए आता है, स्लोप एंड एलिवेशन के लिए आता है, देख लेते हैं, हाँ ठीक है स्लोप एंड एलिवेशन के लिए आता है, ये आपका क्लाइनोमीटर है, तो पढ़ लेते हैं देखो लिए। तो क्लाइनोमीटर वॉज इन्वेंटेड विलियम हैबने बिफोर द 1880 फॉर मेजरिंग द स्लोप्स एंड द एलिवेशन। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एल्कलीमीटर आता है तो ये छारे अपन को दिखाने के लिए होता है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन। फिर आता है आर्थ्रोस्कोप आता है आपका एग्जामाइन द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट्स, एस्टोमीटर आता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड को देखने के लिए आता है, ऑक्सोमीटर आता है तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए आता है, ब्रोंकोस्कोप आता है आपका तो ये विंड पाइप के लिए आता है, जो आपका एक ऑप्शन था एग्जामाइन द विंड पाइप, तो विंड पाइप के लिए आपका ब्रोंकोस्कोप है, क्रोटोमीटर की अगर बात करें तो मेजर द पावर ऑफ द मैग्निफिकेशन, ये ऑप्शन में था, क्रोनोग्राफ ये भी ऑप्शन में था, तो व्यूइंग द क्रोनो ऑफ द सन। नेक्स्ट आता है क्लाइनोमीटर आता है तो स्लोप्स एंड एलिवेशन के लिए आता है, कैलियोमीटर आता है तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द अर्थ, और कैथोमीटर आता है आपका तो ये वर्टिकल डिस्टेंसेस को शो करता है छोटी वाली को, डेंड्रोग्राफ आता है तो डेंड्रोलॉजी प्लांट से रिलेटेड स्टडी को बोला जाता है, ट्री से रिलेटेड स्टडी को बोला, तो मेजर द प्लांट ग्रोथ आपका डेंड्रोमीटर, डायनामोमीटर होता है मैकेनिकल फोर्सेस के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप होता है डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द बॉडी, एवोपरीमीटर तो पता लग रहा है रेट ऑफ द एवोपरेशन, कॉनीमीटर आता है डस्ट इन द एयर, मैग्नेटोमीटर आता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्मोमीटर आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, काइमोमीटर आता है फ्लूड प्रेशर के लिए, ड्यूरोमीटर आता है आपका हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस के लिए, और डिलाटोमीटर अभी बताया था चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के लिए आता है। नेक्स्ट चलते हैं, पेकाईमीटर इज यूज टू मेजर द, तो पेकाईमीटर जो होता है आई थिंक ये होता है आपका स्मॉल थिकनेस के लिए, चलिए देख लेते हैं, लिखा हुआ है स्मॉल थिकनेस, ये आपका मीटर है, ये स्मॉल थिकनेस के लिए यूज होता है, द पेकाईमीटर इज द पेकाईमीटर इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द आईज कॉर्निया, आई का जो क्या होता है कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए होता है, तो पढ़ लेते हैं देखो मेजर द स्मॉल थिकनेस, फोनोमीटर की बात करें साउंड लेवल्स के लिए आता है, फोटोमीटर की बात करें लाइट इंटेंसिटी के लिए आता है, प्लानीमीटर की बात करें तो प्लेन फिगर्स के लिए आता है एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, सेलिनोमीटर की बात करेंगे तो सॉल्ट के लिए आता है, सेलाइन मतलब द सॉल्ट, सॉल्ट इन सॉल्यूशन की बात करता है अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन सॉल्यूशन, सेरीमीटर की बात करें तो टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ द सिल्क सेरीमीटर, और सिल्क की देखो आसान है पकड़ना, सिल्क की जो स्टडी होती है वो किस में आती है सेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। फिर आता है पाइक्नोमीटर आता है आपका, तो पाइक्नोमीटर आता है डिटरमाइन द कोएफिशिएंट एंड द डेंसिटी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स, पोटोमीटर आता है तो मेजर द रेट्स एट द विच प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर, पोटेंटियोमीटर यह आता है आपका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्सेस के लिए, न्यूमोग्राफ आता है आपका रिकॉर्ड रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं तो क्लोरोमीटर आता है आपका मेजर द अमाउंट ऑफ द क्लोरीन इन द सॉल्यूशन, क्लोरोमीटर आता है कीप्स वेरी एक्यूरेट टाइम के लिए आता है, क्लॉक के लिए आता है, रडार की अगर बात करें तो आप जानते हैं रडार की फुल फॉर्म होती है रेंजिंग एंड डिटेक्शन, ठीक है ना, साउंड ठीक है ना, रडार रडार ना डिटेक्शन एंड रेंजिंग, नहीं वो तो एक तो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक होता है रडार, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है यार भूल गया मैं दिमाग से, हाँ रेडियो 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 एंड डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड द रेंज ऑफ द एंड अप्रोचिंग द एरोप्लेन बाय द मीन्स ऑफ द रेडियो वेव्स। और फिर आता है एल्कोलीमीटर आता है तो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्कोल इन द सॉल्यूशन, हीलियोमीटर आता है इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट, पीजोमीटर आता है आपका प्रेशर ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, सीलोमीटर आता है स्पीड ऑफ द शिप, वेंचुरीमीटर आता है रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, वेंचुरीमीटर, कोलोम्बोमीटर आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक चेंज के लिए, और गैस्ट्रोस्कोप आता है तो गैस्ट्रोनॉमी जो होती है पेट से रिलेटेड होती है इंटीरियर ऑफ द स्टमक, याद ही करना पड़ेगा इन्हें आपको, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा समझ नहीं, ज़्यादा कोशिश मत करना इसे। आई एनाटॉमी देख लेते हो तो जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्यूपिल होता है, उसके बाद कॉर्निया होता है लेंस टाइप का होता है, आयरिश होता है जो कलर को शो करता है, लेंस लगा होता है, फिर स्क्लेरी मसल उससे होती है, आगे आपका एक्वस ह्यूमर रहता है, अच्छा फिर अंदर की ये यहाँ पर क्या है विट्रस ह्यूमर रहता है जो सपोर्ट देता है बाहर की तरफ, एक्वस ह्यूमर इसलिए रहता है ताकि हमारी जो आँखें वो कैसे रहे नमी रहे, नहीं तो अगर नमी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा आपका आँखें खराब हो जाएंगी, ठीक है,
कोरॉइड आ गया, ऑप्टिक नर्व्स आ गए पीछे की तरफ, मैक्यूला आ गया पीछे की तरफ, रेटिना और विट्रस ह्यूमर यहाँ पे आ जाता है, एक्स ह्यूमर आगे की तरफ रहता है। हमारे आँख में दो ग्लैंड्स होती हैं मेनली, एक होती है लैक्रिमल ग्लैंड्स और एक होती है मेबोडियन ग्लैंड्स। तो मेबोडियन ग्लैंड्स ये हमारे आँखों में पानी का निर्माण करती हैं जो आपका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को दिखाती है, ठीक है ना। और जो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी आँखों में क्या करती है, बोल सकते हैं एक हिसाब की नमी बना के रखती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तो मैंने बताया था ये आगे वाले पार्ट को एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, कॉर्निया सबसे आगे वाला पार्ट होता है, पिपिल पीछे वाला पार्ट होता है, आयरिस कलर को डिनोट करता है जो आई कलर होता है, उसके बाद लेंस होता है, लेंस से जुड़ा आपकी क्या होती है सिल्टी मसल्स होती हैं जो बुढ़ापे के साथ की होती हैं, आपकी ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है जिससे आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। उसके बाद आपको एकोमोडेशन पार्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको विट्रस ह्यूमर ग्लासी फॉर्म होती है जो सपोर्ट देता है आई को, पीछे तरफ आपका ऑप्टिक नर्व्स में रेटिना लगा होता है, तो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एन ई ई जी एज अ टेस्ट टू यूज द एवेलुएट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, सेलेक्ट द, अभी तो बताया था इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम इसे बोला जाता है। तो लिखा हुआ है ई ई जी स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम एंड ई ई जी यूज टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन दैट मे बी एसोसिएट विद द सर्टन ब्रेन डिसऑर्डर, द मेजरमेंट्स गिव द बाय द ई ई जी आर यूज टू कन्फर्म द वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग द हेड इंजरी, एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्टॉक स्लिप डिसऑर्डर। ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस एंड ई ई जी ट्रैक्स एंड रिकॉर्ड ब्रेन वेव्स पैटर्न्स, स्मॉल फ्लैट फ्लैट मेटल डिस्क कॉल द इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द स्कैल्प विद द वायर्स, द इलेक्ट्रोड्स एनालाइज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द ब्रेन एंड द सेंड सिग्नल टू द कंप्यूटर दैट रिकॉर्ड द रिजल्ट, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ द ई ई जी रिकॉर्डिंग द लुक लाइक द वेवी लाइन्स एंड विद द पीक्स एंड द वैलीज, दीज लाइन्स अलाउ द डॉक्टर टू क्विकली असेस वेदर देयर इज द एबनॉर्मल पैटर्न एंड इरेगुलर मे बी साइन ऑफ द सीजर्स और द ब्रेन डिसऑर्डर। चलो आगे चलते हैं, रिक्टर स्केल यूज फॉर, तो ये दिखाता है आपका किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ क्विक को दिखाता है, और रिक्टर मैग्नीट्यूड के लिए आता है, एक आता है आपका मॉर्सली, मॉर्सली स्केल आता है, तो ये आपका किसके लिए होता है, इंटेंसिटी के लिए होता है, इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट किस तरीके से रहा, ये तो मेजर करता है आपका किसका, अर्थक्वेक को, तो मेजरमेंट जो होता है ये 12 पे होता है, इंटेंसिटी आपका 10 के आसपास, 10 के फेर में होता है, और लॉगरिथमिक बेस होता है इसका। चलो पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ द अर्थ, देखो मैंने बताया था शायद से, देखो टाइम नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं, अभी कौन कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो मैंने बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स आपकी प्रोड्यूस होती हैं, तो मैंने बताया था प्राइमरी आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं जबकि आपकी सेकेंडरी कैसी होती हैं, आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। शायद से मैंने किसी न किसी लेक्चर में पढ़ाया है, बायोलॉजी में पढ़ाया होगा या कहीं पर पढ़ाया होगा, पर पढ़ा रखा है, पर किसी और टाइम पर ला दूंगा, आज टाइम नहीं था, ठीक है ना, लगभग 4 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, तो किसी और दिन मैं इसे जरूर कंप्लीट कराऊंगा, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ पर इसका अलग से टॉपिक मैं ले लूंगा। तो पढ़ लेते हैं, चलो आगे लिखा होता है, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्विक इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्विक एंड इट इज मेजर बाय द रिक्टर स्केल, मैंने ऐसे याद करना है आराम से, आर रिक्टर एम मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और दूसरा एम आई फोन होता है ना, एम आई फोन, तो एम से मतलब मैंने आप मैग्नीट्यूड सॉरी मॉर्सली, और ये आई से आपका इंटेंसिटी को शो कर देता हूँ मैं। दो तरीके के आपके स्केल होते हैं खासकर अर्थक्वेक को नापने के लिए, द स्पीड ऑफ एयर मेजर, तो स्पीड ऑफ एयर देखा देखा जाता है तो एनीमोमीटर बताया था मैंने, फिर आता है आपका लाइट को मेजर करना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो फोटोमीटर है, और सैलिनिटी के लिए आ जाता है आपका सैलिनोमीटर। रिक्टर स्केल जो थे वो चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में दिया था, मॉर्सली स्केल की अगर बात करें तो वो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो ये होता है आपका अमीटर, तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, एन अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, यूनिट ऑफ द करंट एम्पेयर होता है, फंडामेंटल यूनिट आप जानते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे बोला जाता है। आगे देखते हैं, ओम मीटर देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के लिए आता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यूनिट क्या होती है आपकी ओम होती है, ओम्स लॉ के बोलता है स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स, वी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ बोलता है, आर क्या है रेसिस्टेंस है, आई आपका क्या करंट है, वी आपका वोल्टेज है। थर्मोमीटर की बात करें तो ये आपका टेम्परेचर के लिए आता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर, द फर्स्ट मर्करी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय द गैब्रियल फेरनहाइट, आप जानते हैं इनके नाम पे क्या फेरनहाइट स्केल का नाम रखा हुआ है। गायरोस्कोप की अगर बात करें तो ये आपका ऑरियंटेशन और एंगुलर वेलोसिटी को दिखाता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मेंटेनिंग द ऑरियंटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, गायरोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय द लियोन फोकॉल्ट। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ द मिल्क इज मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क, बताया था मैंने इलेक्ट्रोमीटर है। अच्छा तो चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ इलेक्ट्रोमीटर यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ द मिल्क बाय द मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क,
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क. इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड अ मीटर बल्ब. इट मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क विद द रिस्पेक्ट टू द वाटर. इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंपल ऑफ द मिल्क इज विद इन द अप्रूव्ड रेंज द मिल्क इज प्योर. ऑटोमीटर मैंने बताया था कि किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए आता है व्हीकल की. तो लिखा इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द व्हीकल सच एज द बाइसाइकिल और अ कार. बैरोमीटर का मैंने बताया था, साइंटिफिक बैरोमीटर बताया था मैंने आपके, किसके लिए आता है, प्रेशर के लिए आता है. तो लिखा इंस्ट्रूमेंट इट इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर इन अ सर्टेन इन्वायरमेंट. स्पैरोमीटर जो आता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आता है. तो लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर और द ऑफ अ स्फीयर और कर्व सर्फेस. जैसे स्फीयर से पता लग रहा है, स्फीयर के लिए आता है, तो कर्वेचर को शो करता है, कर्वेचर जो कर्व सर्फेस होता है आपका. अच्छा नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अ गायरोस्कोप इज यूज. अ गायरोस्कोप जो होता है आपका किसके लिए होता है, अभी तो बताया था, एंगुलर वेलोसिटी को नापने के लिए होता है, ऑरियंटेशन के लिए आता है, तो कंप्यूटर माउस के लिए आता है. तो बी इज द राइट आंसर. जैसे पढ़ लेते हैं तो गायरोस्कोप इस तरीके से दिखता है. ये गायरोस्कोप फ्रेम है आपका, ये आपका गिम्बल लगा हुआ है, ये रोटर लगा हुआ है, ये स्पिन एक्सेस है. जैसे आपने देखा होगा ना जो बॉल हिलती है आपका माउस के अंदर, तो वो गायरोस्कोप के थ्रू बनी होती है. गायरोस्कोप इज द डिवाइस यूज टू मेजर द मेंटेनिंग ऑरियंटेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी. अ कंप्यूटर माउस हैज द गायरोस्कोप एज इट नीड टू मेंटेन द ऑरियंटेशन ऑफ द कर्सर ऑफ द ऑन द स्क्रीन. गायरोस्कोप आर ऑल्सो यूज इन द कंपासेस एंड द ऑटोमेटिक पायलट्स ऑन द सिप्स. वहाँ पर रहते लगे एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा वो जो आपका जॉयस्टिक टाइप का होता है ना घुमाने के लिए, वो इसी का होता है. गायरोस्कोप इन्वेंटेड बाय द लुईस फौकॉल्ट इन द 1852. गायरोस्कोप इज ऑल्सो यूज टू मोबाइल फोन्स नाउडेज. अपने ट्रैक वाला वो बॉल ट्रैकिंग जो आपका फोन आते थे ना उसमें होता था आपका गायरोस्कोप लगा हुआ. इनपुट डिवाइस की बात करें माउस कीबोर्ड स्कैनर आ जाता है, आउटपुट में प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर आ जाता है. ट्रैक बॉल इज अ कंप्यूटर माउस नीड्स द गायरोस्कोप. ट्रैक बॉल जो होती है उसको किसकी जरूरत हुई, गायरोस्कोप की जरूरत हुई, ये आपने याद रखना है. तो ये आपका लेक्चर खत्म होता है, फिजिक्स आज डन हो गई, ठीक है ना, लगभग लगभग मोटा मोटी खत्म. अब बची केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में लगभग 20 आपके क्या होंगे टॉपिक्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा 7 दिन के अंदर इसे निपटाने की, मतलब 7 या 8 तारीख को ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना. क्योंकि फिजिक्स जो मैंने निपटाई है वो 25 को लिया था ना पहला लेक्चर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, लगभग 6 दिन में, और 15 लेक्चर लिए, 6 दिन 12, लगभग 2.5 के हिसाब से मैं चल रहा था, मतलब एक दिन में 2 या 3 वीडियो के हिसाब से बनाते हुए चल रहा था. केमिस्ट्री में 20 लगते हैं तो 7 दिन के आसपास निपटा दूंगा. तो इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगा. यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब पे हिट करते ही आप जैसे क्लिक करोगे तो बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना. बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना, उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी. बाय चांस अगर यूट्यूब से आपका नोटिफिकेशन मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं या फिर आप व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में हमसे जुड़े होंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. वीडियो जैसे ही बनती है मैं वहाँ पर आपका क्या कर देता हूँ, आपका लिंक शेयर कर देता हूँ. फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए, कॉन्सेप्ट एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए हमें फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं फिर केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत.